साहिब जीओ जिन्ना सास ग्रास न बिसरे हर नाम मन मंत तन से नानका पूरन सोई संत तन जननी जिन जाय तन पिता प्रदान सतगुर सेव सुख पाया बिचों गया गुमान दर सेवन संत जन खड़े पायन गुणी निदान गरीब नवाज अंतर जामी सच्चे पातशाह जी दी साजी नवाजी गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ रसना नू करो पवित्र प्यार सत्कार नाल गुर फतेह दी सांझ पाओ जी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। आप जी जितने भी गुरु प्यारे सत संगी नेमी प्रेमी सज्जन दूरों नेड़ों चल करके चवर शतर तखत दे मालक वालिए कुन आलम हजूरे अनवर कावले चिरान पवित्र मुकद्दस तारीम गुरता गद्दी नासीन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर काफी लमेरे समय तो लै करके एकत्र हो बैठे हो सबना नू भली प्रकार ए विदित होवे के बीहवीं सदी दे महान गुरसिख नाम बाणी दे रसीए पवित्र आत्मा नौजवाना दे दिलां दी धड़कन दमदमी टकसाल दे चौदवें मुखी अमर शहीद श्रीमान संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वाले महापुरखां दे पावन पवित्र जन्म अस्थान गुरुद्वारा संत खालसा नगर रोडे विखे महान ए गुरमत समागम हर साल दी तरह बड़ी श्रद्धा भावना अदब सत्कार दे संयुक्त करवाए जा रहे हैं। जिन्ना गुरमत समागमां दे विच आप जी ने कई रोज तो लै करके गुरमुख प्यारियां दी रसना तो सिंह साहिबान जी दी पावन रसना तो होर बेअंत गुरु दियां बख्शियां होईयां रूहां दी रसना तो गुरमत विचारां श्रवण कीतियां हन। दास नूं भी आप समुचियां संगतां दे वलों अति सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी जसवीर सिंह जी साबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब इन्हां ने उचेचा हुक्म आप संगतां दा लाया सी के कुछ समय वास्ते गुरमत विचारां दी सांझ संगतां दे नल कीती जावे।
आप जी ने सिंह साहिब जी की पावन रसना तो वह बचन श्रवण किए ने कि ये दिहाड़े किस वास्ते मनाए जाते ने। 22 फरवरी उन्हां सत पुरख श्रीमान संत ग्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवाले महापुरशां ने इस नगर दे विच अपने नगर विच जत्थे दे पासों खंडे वाटे का अमृत पान किया। उन्हां सत पुरखां का जीवन आप जी भली भांत जानते हो। सिंह साहिब जी ने भी बहुत ही ऐसा सुंदर निराला जिहड़ा महापुरखां दा रस भिन्ना जीवन लिखिया है। बालक अवस्था तो ही गुड़तियां मिलियां अमृत दियां, माता पिता ने लोरियां भी नाम बाणी दियां देनियां, सिमरन करना गोद विच पाके नितनेम कन्नां विच सुनाउणा, सुरत सांभण ते फिर आप उन्हां महापुरखां ने जिहड़ी अथाह गुरबाणी का अभ्यास करना आरंभ कर दिता। 25-25 जपजी साहिब दे पाठां तो फिर बेअंत जिहड़ा अजापा जापदे तक चले गए। उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सदकाम, उठत बैठत सोवत ध्याईऐ मार्ग चलत हरे हर गाईऐ। ऐसी अवस्था दे उपर वो सतपुरख गए ने, लैके जाण वाला कौन है? धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गुरबाणी, जिस गुरबाणी दे बारे सतगुरु पातशाह ने अपनी रसना तो बचन अंकित किए ने। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। ये गुरबाणी साडा गुरु है। सिंह साहिब जी गुरबाणी की महिमा आप जी नूं श्रवण करवा रहे सन। मन विच ख्याल आया कि इस गुरबाणी की महिमा नूं ही आप संगतां दे नाल सांझा कीता जावे, क्योंकि उन्हां महापुरखां ने इस पावन गुरबाणी का आसरा लिया। इस गुरबाणी ने पता नहीं किन्ने ब्रह्म ज्ञानी पैदा कर दिते। इस गुरु नानक साहिब जी की अगमी बाणी ने पता नहीं किन्ने सिमरन करन वाले संत बना दिते। इस गुरबाणी ने पता नहीं किन्ने जीवन मुक्ति की अवस्था ते लिजा के खड़े कर दिते। किन्नियां नूं विदेह मुक्ति दे आनंद इस गुरबाणी ने दिते हन। जिहड़े गुरसिख गुरबाणी का आसरा लै लैंदे, सहारा लैके तुरदे ने, फिर यह सतगुरु की पावन गुरबाणी उस गुरसिख की अगवाई करती है। चले कोई इस मार्ग के उपर, तुरना करे, फिर देखो निराला आनंद किस तरह का बनता। उन्हां महापुरशां ने इस गुरबाणी का आसरा तक करके कित्थे तक अवस्था उन्हां दी चली गई, क्योंकि जिन्ना कोई मिठा पावांगे ते उन्ना ही साध संगत आनंद मिठास दा बनदा जावेगा। सियाणियां दी कहावत, जिन्ना गुड़ पावांगे उन्ना मिठा होवेगा। गुरमुख प्यारे कहिंदे, जिन्ना बाणी दा अभ्यास करोंगे, जिन्ना सिमरन करोंगे, उन्ना ही जिंदगी दा आनंद बनदा जावेगा। इस गुरबाणी दे अंदर कुछ विशेषताइयां ने, वह आप संगतां नाल दास सांझियां करेगा। तीसरे पिता गुरु अमरदास महाराज जी दे पावन बचन रोजाना नितनेम दी बाणी आनंद साहिब दे विच असी पढ़दे हाँ। आव हो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गाव हो सच्ची बाणी, बाणी तां गाव हो गुरु केरी, बाणी आ सिर बाणी। बाणी दा अर्थ हुंदा है बचन, ते उस नूं लिखती रूप जदों दे दिता जांदा ते वह बाणी कहलाउंदी है। किसे अवतारी पुरख, किसे पीर पैगंबर औलिए अवतार नूं जो अनुभव हुंदा, कमाई करन वाले दे हृदे चों जिहड़े बचन सफुरन हुंदे, ते फिर उहनूं कलम दे नाल लिखती रूप दे करके उहनूं बाणी कह दिंदे ने। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी कहिंदे, बाणियां सिर बाणी। बाणियां ते होर भी बेअंत हन। बाइबल दे अंदर ईसाई वीरां दे जिहड़े लिखे हुए ईसा दे बचन, ओ ईसा दी बाणी कहिंदे ने।
ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਅਕਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਲਿਖੇ ਇਸਲਾਮ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨਿੰਦਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰ ਵੇਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 12 ਸਾਲ ਵਿਆਕਰਨਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਲਘੂ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ 13ਵੇਂ ਸਾਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ। 12 ਸਾਲ ਵਿਆਕਰਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ 13ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਵੇਦ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲਾ 50 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 100 ਦਾ 100 ਸਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਇੰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣੇ, ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਤੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਇੰਨੇ ਕਠਿਨ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਧੁਰਕੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਾਵਨ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਵਾਲੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਬੈਠ ਕਰਕੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, 3 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਹਾਂ 3 ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸੂਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਅਭਿਆਸੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਛਕਣਾ ਕਰੇ, ਲੰਗਰ ਚਲਾਵੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ।
ये तीन जिहड़े असूल सतगुरु जी ने बुनियादी कायम किए इनू मुख रख करके कि गुरु का सिख गुरबाणी जिस वेले गुरमुखी अखरां नू पढ़ेगा इनू ज्यादा मेहनत ना करनी पवे। ये भी नहीं भी मेहनत बिल्कुल ही नहीं करनी, बिना संथा कीती तो ही गुरबाणी का पाठ करन लग जाइए, नहीं भाई। एक साल डेढ़ दो साल गुरबाणी की संथा वास्ते जरूर कढ़ो। इन्ने को समय विच गुरु ग्रंथ साहिब जी की संथा संपूर्ण हो जाती है। 12 साल पहला व्याकरणा नहीं पढ़निया पैंदियां। सतगुरु पातशाह ने यह गुरबाणी उचारण की गुरमुखी अखरां दे विच। गुरबाणी सुखैन है, सरल है, सौखी है पढ़न दे वास्ते। बाकी मतां दे जिहड़े ग्रंथ ने उन्हां दे उत्ते बड़ियां मेहनतां करनियां पैंदियां। यह पहली विशेषता गुरु नानक साहिब की पावन गुरबाणी की है। दूसरे नंबर दे उपर जिहड़ी गुरबाणी सतगुरु पातशाह ने उचारण की, इहदा हक गुरु नानक साहिब जी ने सभना नूं दिता है। दूजे धर्मां वाले हिंदू मत दे विच जदों वेद पढ़ाए जांदे, ये जिहड़ी मनु सिमरती ने चार थावां ते लोकां दी वंड कर दित्ती सी, परमात्मा दे दर दे उपर तां अव्वल अल्लह नूर उपाया कुदरत केसा बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। परंतु जिस वेले चार थावां ते वंड दिता लुकाई नूं, पहले दर्जे दे उन्हां ने ब्राह्मण रखे गए। ब्राह्मण नूं अधिकार दिता भी तूं वेदां दी विद्या पढ़नी है ते लोड़वंदां नूं विद्यार्थियों नूं पढ़ाउणी है। वेदां दी विद्या पढ़ना ते पढ़ाउणा ये अधिकार ब्राह्मण नूं दे दिता गया। दूसरे नंबर दे जिहड़े लोग सी ओह क्षत्री लोग बनाए गए कि तुसी धर्म दे युद्ध करने, धर्म वास्ते मर मिट जाना, गरीब की राखी करनी, पत इज्जत रखनी गरीब की, ते ए तुहाडा कर्म है। उन्हां क्षत्रियां नूं की अधिकार दिता सी, कहिंदे तुसीं वेदां दी विद्या पढ़ सकदे हो, बैठ के ब्राह्मणां दे कोलों पढ़ोगे ते तुहानूं अगे पढ़ाउण दा कोई हक नहीं दिता जांदा। इत्थे भी वितकरा कीता गया। तीसरे नंबर ते जिहड़े वैस बंदे सन उन्हां नूं कहा, तुसीं हट्टी भट्ठी का काम करना, व्यापार का धंधा करना, वेदां दी विद्या नूं बैठ के तुसीं केवल सुन सकते हो, तुहानूं पढ़न ते पढ़ाउण का हक नहीं दिता जांदा। वैसां नूं इह कह दिता। जिहड़ा चौथे नंबर का सूदर बंदा सी जिहनूं नीच जात वाला कहा गया, उहदा कर्म सी लोकां दे घरां विच जाके झाड़ू पोचा करना, जूठे बर्तन मांजने, कोई ऐसियां नालियां साफ करनियां। ये जिहड़ा अधिकार सी कर्म सी ये सूदर दे हिस्से विच आया। इस सूदर नूं की कह दिता मनु सिमरती वाले ने कि तू वेदां दी विद्या ना पढ़ सकदा ना पढ़ा सकदा, ते कन्नां विच बैठ के वेदां दी विद्या तू सुन भी नहीं सकदा। नीच बंदा नीच जात विच पा दिता गया। ते जिस वेले कोई साध संगत सूदर बंदा वेदां दा सलोक कोई सुरती सुन लैंदा सी, तां ब्राह्मण लोक उहदे कन्नां विच सिक्का ढाल के उहदे कन्न बंद कर दिंदे सन। ते जिहड़ा कोई ब्राह्मण नीच जाति वाले नूं उपदेश सुणाउंदा सी वेदां दी सुरती बोल करके, उहदी जवान कट दिंदे सी। आ कुछ साढ़े नाल हुंदा सी। चारे जिहड़े वर्ण ने खत्री ब्राह्मण सूद ते वैस, इन्हां दीआं जिहड़ीआं इस्त्रियां पत्नियां सन उह किसे नूं भी वेद बाणी सुणन दा हक नहीं सी। जदों इहो जिहा कुछ संसार विच वरतारा वरतिया ते धन गुरु नानक देव साहिब महाराज, भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुरबड़ भागी पाया। फिर गुरु नानक साहिब महाराज ने जदों ये तुरकी बाणी गुरमुखी अखरां विच उचारण कीती, उदों भी फिर वर्णा वाले लोग कट्ठे हो करके आए।
महाराज जी ये जिहड़ी गुरबाणी तुसी उचारण कीती ये कौन पढ़ा सकदा, कौन पढ़ेगा ते कौन सुन सकदा, इहदे हक किहनू दित्ते ने? तां डांके दी चोट नाल सतगुरु पातशाह ने कह दिता, कोई गावै को सुनै हर नामा चित लाए, कोहो कबीर संसा नहीं अंत परम गत पाए। कोई गावै को सुनै कोई करै विचार, को उपदेशै को दृढ़ै तिसका होए उदार। ये गुरबाणी अकाल पुरख परमात्मा वाहिगुरु दी है, किसी मनुख दी उचारण कीती होई नहीं, किसी जात पात विच बंडियां पाउण वाली ये पावन गुरबाणी नहीं है। ये तां धुरों निरंकार परमात्मा दे देश तों बाणी आई है। कोई दा अर्थ सतगुरु पातशाह महाराज ने कह दिता, चाहे कोई ब्राह्मण होवे, चाहे क्षत्री होवे, चाहे वैश्य, चाहे शूद्र होवे, चाहे चारे वर्णा दी इस्त्री जाति होवे, सारियां नूं अधिकार गुरबाणी दे दित्ते ने। कोई बैठ करके इस गुरबाणी दा अभ्यास कर लवे, कोई जप जी दे पाठ करी जावे, कोई सुखमणी साहिब दे पाठां दी लड़ी चला लवे, कोई इसे प्रकार सहज पाठ करे, कोई अखंड पाठ करे गुरबाणी दा, सारिआं नूं अधिकार दित्ते हन। इसलिए दूसरे जड़े ऐसे ग्रंथ हन, वह कित्थे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बराबरी कर लैणगे। ये दूसरी विशेषता है गुरबाणी दी कि सारिआं नूं सांझा उपदेश ते सारिआं नूं सतगुरु पातशाह ने गुरबाणी पढ़न दा हक एक बराबर दिता है। तीसरे नंबर ते गुरबाणी दी विशेषता है साध संगत जी, जिन्हें भी दुनिया दे ग्रंथ ने सत्कार योग धर्मां दे बने हुए पूजन योग ने सत्कार करन योग हन, परंतु उन्हां ग्रंथां नूं किसी अवतारी पुरख ने, पीर पैगंबर औलिए अवतार पुरख ने अपनी हजूरी विच बैठ के ग्रंथ नहीं लिखवाया। जदों असी जैन धर्म का इतिहास वेखते हाँ, महावीर जैन दियां जिहड़ियां लिखतां ने उन्हां जैनी वीरां दे ग्रंथां दे विच संभाल के रखियां ने जी। आ शुभ सिक्ख्या सानू महावीर जैन ने दित्तियां, जिहड़ा जिंदगी विच कमा लवेगा उहदी काया कल्प हो जावेगी, महान सुखां दी औधी नूं प्राप्त हो जावेगा। परंतु महावीर दे जैन दी एक भी लिखत जैनी वीरां दे कोल अज तक नहीं देखी गई। जदों महावीर जैन जी शरीर छड गए, उन्हां दे शरीर छड्डण तों 900 साल गुजर गया सी। इन्ने समय तों बाद उन्हां दे पैरोकारां चेलियां सेवकां नूं याद आया भी सानूं भी कोई ग्रंथ बनाउणा चाहीदा, साडा धर्म है जैनियां दा, इसलिए ग्रंथ लिखिए। फिर उन्हां ने की कीता, अपने पिता दादे पड़दादे होर आले दुआले बजुर्गां नूं कट्ठे करके कहण लगे भी महावीर जैन दियां जिन्नियां जिन्नियां सिख्यावां तुहानूं याद ने उह सानूं इत्थे आ करके सुणाओ। किसे ने कोई सिख्या याद सी उह दस दित्ती, किसे ने कोई सिख्या याद कीती उह दस दित्ती। इसलिए साध संगत जी 900 सालां तों बाद सेवकां तों सुण सुणा करके उह लिखतां ग्रंथ दा रूप बन गईआं। किन्ना को रड़ा ते मला उहदे विच होया होवेगा इह कहण तों परे है। ते दूसरे पासे जदों असी महात्मा बुद्ध जी दा धर्म देखदे हां, बोधियां दा, इन्हां दा ग्रंथ है धम्मे पद, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਮਹਾਂਵੀਰ ਨੇ ਲਿਖਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚੇਲੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। फिर एक ग्रंथ का लिखती रूप दे विच उन्होंने उतारा करके अगे ग्रंथ का रूप दिता। उहदे विच एक भी लिखत महात्मा बुद्ध के अपने हत्थां दी नहीं है।
साध संगत जी इसे प्रकार जदों ईसाइयां दियां बाइबलां वेखदे हां, दो बाइबलां ने ईसाई वीरां दियां जिन्हां ने अज तमाम दुनिया दे उत्ते अपना प्रचार शुरू कर दिता है। जे वेख्या जावे एक जड़ी बाइबल है ईसा जी दे शरीर छड़न तो 250 साल तो बाद लिखती रूप दे विच आई, ओ भी सिखां सेवकां तो अगे पैरोकारां तो जिहड़ा जिहड़ा कुछ उन्हां नूं याद सी उन्हां ने लिखती रूप दे करके कहिंदे जी साडा ईसाइयां दा ग्रंथ बाइबल तैयार हो गया। एक जिहड़ी दूसरी बाइबल है ये 300 साल बाद ईसा दे शरीर छड्डे तो लिखी गई। एक ईसाई मत दा प्रचारक साडे सिख धर्म दे विचों ओ बनिया सी, ओ सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे 2 साल पहला मिलिया। घर विच आया बैठा ते उन्हें बड़े बचन सुनाए, कहन लग्या ज्ञानी जी मैं तख्त श्री केसगढ़ साहिब जी तो अमृत छकिया सी, मैं गुरु कलगीधर पातशाह महाराज का सिंह सजिया सी, मेरे बच्चे पत्नी परिवार सारा ये ईसाई धर्म के नाल संबंध रखते सन, इन्हां ने प्रभाव पा करके मैनू ईसाई धर्म विच लै गए, मैं दाढ़ी भी कतल करवा दित्ती, केस भी कतल करवा दित्ते। फिर कहिंदा जिहड़े ईसाई धर्म वाले ने दूसरे धर्म वाले नूं प्रचारक नहीं बनाउंदे छेती छेती, मैनू उन्हां ने बाइबलां भी दोनों पढ़ा दित्तियां, गुजे जिहड़े भेद सी बाइबलां दे ओह भी दस दित्ते, ते मैं रज रज के प्रचार किया, बहुत सारे मैं ईसाई बनाए, कहिंदा मैं आप उन्हां दे प्रचारक बन के। ते एक दिन की होया जदों रात नूं सुता पिया ते अमृत वेला होण लग्या ते मैनू इस तरह कन्नां विच खड़ाक सुनाई दिता भी जिवें कोई घोड़ा मेरे नेड़े कोई पौड़ मारदा होवे। एकदम उठिया ते आले दुआले वेख्या कुछ ना, मैं फिर कहिंदा लेट गया ते फिर घोड़े दा खड़ाक सुनाई दिता, फिर उठिया ते फिर कुछ ना दिसिया। जदों फिर मैं तीसरी बारी लेट गया ते मेरे आ करके मंजे नूं ठुड्डा बड़ी जोर दी वज्जिया ते मेरा पलंग हिल गया। उठिया ते कहिंदा उस वेले फिर अगमी एक आवाज़ भी मेरे कन्नां विच पई, तू किधर तुरिया फिरदा है, तू ते गुरु गोबिंद सिंह दा सिंह बनिया होया सी। कहिंदा उस वेले मेरे नेत्रां चों आंसू वग पए, क्योंकि जिहड़ा कोई इस प्रकार सतगुरु की कृपा जदों वरतदी सतगुरु कौतक वरता दिंदे ने। उसे दिन ही मैं फिर कहिंदे परिवार नूं कहा भी मैं ते हुण सिक्खी दुआरे ग्रहण करनी, मैं पातत हो गया, केस कतल करवा दिते, सिक्खी नूं त्याग चुकिया हाँ। कहिंदा परिवार वाले मनदे नहीं सन। फिर कहिंदा हौली हौली हुण उन्हां नूं मनाया, जदों दास नूं मिलिया सी हाले अमृत ने नहीं छकिया सी, परंतु केस दाड़ी रख ले सन, सिर दे उत्ते पीले रंग दा उन्हें परना भी लपेटिया सी। फिर पुछण लग्या भी अमृत छकना कित्थों छकीए, मैं दास ने बेनती कीती भी केसगढ़ साहिब जा करके तख्त साहिब ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे स्थान ते उत्थे अमृत पान कर ते नाले खेमा जाचना करवानी सतगुरां दे कोल पंज प्यारियां तों। उन्हें कुछ फिर भेत दसे इस तरह दे, कहिंदा मैं बाइबलां दोनों पढ़िया ने बचारियां ने, मैं बड़ा प्रचार किया बाइबलां दा, जिहड़े ईसाई धर्म वाले ने उहदे विच कुछ गुप्त गल्लां रखते ने। कहिंदे जिहड़े प्रचारक होण ईसाई धर्म दे उहनां नूं इह पुछिओ भी ईसा दे रिड वचन सुनाओ, सानू नहीं पता भी रिड वचन की हुंदे, प्रचारक समझ जाएगा भी ये कुछ पढ़िया होया। रिड वचन वह ने जिहड़े ईसा की जबान तो निकले हुए सन, वह सेम उस प्रकार ही रखे गए जिहदे विच कोई तब्दीली नहीं की गई, ते परंतु बाकी जिहड़े ने औरंगजेब दे वांग भी दूजे धर्मां नूं अपने धर्म दे विच लियाओ, इहो जिहियां जिहड़ियां गल्लां ये रिड वचनां विच नहीं कहिंदा लिखियां मिलदियां। बाकी कोई भी पैरोकार होवे, किसी धर्म का आगू होवे, सिमरन करन वाली रूह होवे, वह कदे दूसरे धर्म ते अटैक नहीं करेगी। रिड वचन एक भी नहीं कहेगा भी ईसाई बनाओ लोगों,
ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਚਨ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਲਿਖਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲਿਆ ਵੀ ਦੇਖੋ ਈਸਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਈਸਾਈ ਬਣ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ 250 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਚਾਹੇ 300 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੀ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਈਸਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਚੱਬ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਅਵਤਾਰੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚੌਥੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਿਆਹੀ ਹੈ, ਕਲਮ ਹੈ, ਅਗੰਮੀ ਕਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਸਾਧਨਾ ਜੀ ਦੀ, ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਇਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੇਰਾ ਘੱਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਦਾੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਹਿਰੇ ਹਨ, ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਗਏ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਆਪੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਫਰੀਦ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵਿਦਾਸ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਧੰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਸੁਣਾਏ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਸ ਤੱਕ ਕੰਬ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਨ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਤੇ ਧੱਦੇ ਔਂਕੜ ਸੁੱਧ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਲੋਕ ਪੌੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਸੁੱਧ।
भी बड़े सतगुरां ने जड़ी पावन गुरबाणी उचारण कीती नरोल शुद्ध है, इहनू असी सुधाई नहीं कर सकते। जिहड़ी बार दे विच अपना सतगुरां दा सलोक कोई पौड़ी आ जांदी महला आ जांदा उहदे मगर सतगुरु ने लिखिया शुद्ध कीचे। शुद्ध कीचे दा अर्थ है भी इस पावन गुरबाणी दी जिहड़ी लिखत भाई गुरदास जी ने लिखी इह शुद्ध कीचे कीती होई है। अज दे नवीन विद्वाना दे वांग इह नहीं अर्थ करना भी शुद्ध कीचे शुद्ध करके पढ़ लिओ, भी बिंदियां ला लो जिथे जो मर्जी हुंदा करी चलो, इस तरह नहीं। ये दो शब्द आप सतगुरु पातशाह कलम दे नाल लिखिया कर दे। जदों ये सरूप तैयार होया फिर सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे इस सरूप नूं प्रकाश गुरु अर्जन देव साहिब जी ने करवाया। धन बाबा बुढ़ा साहिब जी नूं पहले ग्रंथी नियुक्त कीता ते इत्थे ही बस नहीं, जदों दसवें सरूप दे विच आनंदपुर साहिब की पावन धरती ते गुरुदास सिंह जिहड़ा सी बाणी पढ़ रहा सी करते कीमत करता जाने के जाने गुरसूरा कह दी जगह के कह गया ते सतगुरु पातशाह ने वह बाणी जदों कन्नां विच पई ते कहा सी सिंह नूं जा करके डांटना करो। जदों सिंघां ने डांटिया ते सतगुरां कोल आ गया महाराज इस बाणी नूं पढ़दिआं इत्थे कुट पैंदी है, सिंघ मारदे ने, इह बाणी जमां तों किवें छड़ा लवेगी। सतगुरु पातशाह महाराज कहण लगे सिंघा जिहड़ी गुरबाणी है इहदी संथा बड़ी जरूरी है, तूं कै दी जगह के पढ़ी जाना, के दा अर्थ की हुंदा, कै दा अर्थ जां हुंदा, इसलिए अर्थ का तू अनर्थ कर दिता भी गुरु सूरमा करते परमात्मा की मर्यादा नू की जानदा, कुछ नहीं जानदा, इसलिए तू ध्यान दे नाल बाणी पढ़। उन्हें सिंह ने कहा महाराज फिर संथा करवाओ। सतगुरु पातशाह कहिंदे हुण समा नहीं, जंग युद्ध ने कदे औरंगा चढ़ के आउंदा, कदे पहाड़िए आ जांदे ने, कदे किसे पास्यों हल्ला बोल देंदे दुश्मन, आनंदपुर साहिब दे जंगा युद्धां तों वेले होके तुहानूं संथा करवावांगे। फिर सतगुरु पातशाह ने आनंदपुर साहिब दा किला छे पोह नूं त्यागिया। उत्थों सर सतगुरु पातशाह चमकौर दी गढ़ी हुंदिया इस आप जी दे पावन पवित्र इलाके विच चरण पाउंदिया मुक्तसर दी धरती ते खदराणे दी ढाब ते जंग फतेह करके दमदमा साहिब तलवंडी साबो पहुंचे ने। उत्थे जाके कमर कसा खोलिया ते सिंघां नूं कहा आओ सिंघो, तुहाडे नाल वचन कीता सी आनंदपुर साहिब दी धरती ते तुहानूं संथा करवावांगे, बाणी पढ़ावांगे, गुरबाणी दा बोध देंगे, जाओ करतारपुर दी धरती ते धीर मलियां कोलों सरूप लैके आओ। जदों सिंह गए ते धीर मली आप नूं गुरु मानदे सन, कहिंदे जे गुरु गोबिंद सिंह आप नूं गुरु कहाउंदे ने ते सरूप आप क्यों नहीं लिख लेंदे। ये जदों सिंघां ने आके सतगुरां नूं बचन सुनाए, सतगुरु कहिंदे तंबूआं दा प्रबंध करो। एक तंबू दे विच सतगुरु आप चौंकड़ा ला के बैठदे, दूसरे तंबू विच अमर शहीद भाई साहिब भाई मनी सिंह साहिब जी बैठदे ने। उन्हां दे हाथ विच कलम है, स्याही कोल है, कागज़ है। धन बाबा दीप सिंह साहिब जी उस वेले कागज़ तैयार करदे, कलमा घड़के लियाउंदे, स्याही तैयार करदे ने। उत्थे फिर अगमी जिहड़ी समुची बाणी है गुरु तेग बहादुर साहिब दी बाणी उचारण करके 18-10-20 तक गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने समुची गुरबाणी भाई मनी सिंह साहिब जी तों लिखवाई। फिर समुची बाणी दी सतगुरु ने आप रसना तों कथा कीती, जिथों 48 सिंह पढ़ के बदे मुक्ति नूं प्राप्त होए ते उथों टकसाल दी आरंभता कीती ते साध संगत जी जिहड़ी अज सीने पसीने टकसाल साडी चली आउंदी है। ये जिहड़ी पावन गुरबाणी है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी, ये 900 सालां तों बाद लिखे ग्रंथां वर्गी नहीं है, ये 300 साल बाद लिखे हुए ग्रंथां वर्गी बाणी नहीं, ये 250 साल बाद लिखिया वर्गी नहीं है, 20 साल बाद लिखे ग्रंथां वर्गी गुरबाणी नहीं है। ये तां गुरु अर्जन देव साहिब जी ने पांचवें सरूप विच चौंकड़े मार के हजूरी विच बैठ करके लिखवाई। फिर दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आप चौंकड़े मार के भाई मनी सिंह जी तो बाणी लिखवाई। दो पातशाहियां ने अपनी हजूरी विच गुरबाणी लिखाई है।
दुनिया के तमाम जेडे ग्रंथ ने किथे गुरु ग्रंथ साहिब जी की बराबरी कर लेंगे। चौथे नंबर की सब तो बड़ी विशेषता यह है कि जिन्हें भी दुनिया के ग्रंथ ने केवल वह ग्रंथ हैं। ग्रंथ नाम हुंदा जिहड़ा ज्ञान का रथ प्रवाह चला देवे अंदर। ज्ञान तो बड़ा मिल सकता उन्होंने विचों, परंतु उन्हां ग्रंथां नूं गुरु का दर्जा नहीं मिलिया। वेदां नूं कोई गुरु नहीं कहिंदा, वेद ही कहा जांदा उन्हां नूं। इसे प्रकार बाइबलां नूं कोई गुरु का दर्जा नहीं दिंदा, कुरान शरीफ नूं कोई गुरु नहीं कहिंदा, गीता नूं, रामायण नूं कोई गुरु नहीं कहिंदा है। पर जे गुरु का दर्जा है तो धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साहिब जी नूं है। अज ते कचहरियां विच वी जा करके गुरु दे भावना वाले गुरसिख अपनियां प्रापर्टियां, अपने मकान श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे नाम लगवाउंदे ने। किसे ग्रंथ दे नाम उत्ते कोई मरला जमीन लगी दिखा दिओ। इसलिए जेकर समर्थ सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी साढ़े सतगुरु ने, बाकी ग्रंथ ने केवल, ये विशेषताइयां गुरबाणी दियां ने। गुरबाणी सानू सतगुरु पातशाह गुरु नानक साहिब महाराज ने बख्शिश की। सिद्ध भी पुछते सी कि तुसी किस दे चेले हो, तो सतगुरु पातशाह कहिंदे शब्द गुरु सुरत तुन चेला। जिहड़ा शब्द है साडा ये ब्रह्म स्वरूप परमात्मा दा, यही साध संगत साडा गुरु है। बाकी एक बचन गल याद रखियो आप जी, साड़ी जेड़ी अगवाई है केवल शब्द करता है। देहधारी जेड़ा कोई गुरु है, जिन्हां महापुरखां दी आपां अस्थान ते जुड़े हाँ, जिन्हां दा इस अस्थान ते जन्म होया, उन्हां ने देहधारी जेड़ा डंब सी उहदे मुकाबले विच किन्ना गुरमत दा प्रचार कीता, ते किड्डा वड्डा महापुरखां ने जेड़ा रोल निभाया उस वेले, आप जी नूं सभनां नूं पता है। की लोग कहिंदे सन कि देहधारी गुरु होना चाहिदा, शरीर वाला गुरु चाहिदा, ते शरीर जिहड़ा है बोल करके ज्ञान दिंदा, इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब जी बोलदे नहीं हन। भावना उन्हां दी उस तरह देहां ते जुड़ी हुई देहधारियां दी, ते श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे सन्मुख आके गल विच पल्ला पा के नेत्रां चों वैराग दे आंसू डिगदे होण, बैराग विच भिज के गुरसिख जदों किते अरदास बेनती करेगा, ते जिहड़ा हुक्मनामा होवेगा उहदे विच सिख दी जिहड़ी भावना दा फल सतगुरु झोली पाउणगे। पंथ दी अगवाई पिछे भी कीती गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने, अज भी करदे पए ने ते कल नूं भी करनगे। सानूं जांच नहीं है, भावना साडी नहीं, श्रद्धा साडी नहीं है। जेडे मनुख शरीर नूं देहधारी नूं इक गुरु मानदे ने, उन्हां दे वास्ते महापुरख विद्या पढ़ाउंदे इक बड़ा प्यारा बचन सुनाया करदे सन। कहिंदे जिहड़ा देहधारी गुरु अपनी देह नूं शरीर नूं गुरु कहाउंदा है, उहनूं लिया करके इक सड़क दे किनारे ते बिठा दिओ, अगे 10-20 फुट दा चौड़ा खूह टोआ पुट दिओ सड़क दे विच, ते जदों रात हो जाएगी हनेरा हो जाना, ते उस देहधारी बंदे नूं कहना तू कुछ नहीं बोलना, ते जदों सामने कोई बंदा तुरिया आवेगा, चाहे उहदा सेवक चाहे दुश्मन होवे, उन्हें जाके खूह खाते डिग पैना। ते उत्थों फिर पता लगेगा देह जिहड़ी है, शरीर है, ये कोई ज्ञान नहीं दे सकेगा। शरीर दे अंदर बोलदा कौन है? साड़ी जिहड़ी जीव आत्मा परमात्मा दी जोत है, ये साध संगत जी अंदरों फिर बोल बोलदी है। जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी, तब कोई करहो दिखा बखियाना। जदों जोत परमात्मा खिंच लैंदा, फिर कोई बोल के बखावे उही जवान बोलदी नहीं, उही अखां देखदियां नहीं, कन्न सुनदे नहीं, पैर चलदे नहीं, हथ पकड़दे नहीं हन, ते नक सुगंधी दुर्गंधी नहीं लैंदा है। गल की अंदरों जोत परमात्मा दी निकल गई। केवल जिहड़ा शरीर है साध संगत जी, यह कदे गुरु नहीं होया करदा। जिहड़ा देहधारी बंदा है, वह बैठा है सड़क दे किनारे, खूह विच डिगण तों नहीं किसे नूं बचावेगा।
जदों बोलेगा अंदरों बोलना कि वह शब्द निकलेगा अंदरों, फिर वह शब्द अगवाई करेगा, वह बोल के कहेगा भाई सजना अगे टोआ पुटिया है सज्जे खब्बे दी होके लंघ जा। फिर बंदे नूं ज्ञान हो जांदा, शब्द ही ज्ञान करवावेगा। जिहड़ी देह है शरीर साध संगत ये कदे ज्ञान नहीं करवा सकती, ये तां जड़ चीज़ां ने। ज्ञान कर्म इंद्रिये साढ़े सारे जड़ पए हन, इसलिए गुरबाणी जिहड़ी है साध संगत जदों गुरु दे लड़ कोई लग जांदा फिर उहनूं अपना शरीर भी जड़ ही दिसदा है। फिर वह गुरु का प्यारा कहेगा भाई शरीरां नाल नहीं जुड़ना है, शब्द दे नाल जुड़िए, गुरबाणी का आसरा लईए, ते जदों जुड़ जावांगे गुरबाणी साडा आसरा बन जावेगी, फिर जिंदगी का आनंद ही निराला बन जावेगा। ये उन्हां सतपुरखां महापुरखां ने जिंदगी दे विच महान जिहड़े अभ्यास कीते कमाईयां कीतियां, ये प्रेरणा वड्डे सतपुरखां दी। श्री मान संत ज्ञानी सुंदर सिंह जी भिंडरां वाले महापुरख जिहड़े इस नगर में स्कूल का नींह पत्थर भी आप रख के गए, जिथों इन्हां सतपुरखां ने विद्या भी हासिल की। श्री मान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरख हर साल जत्था लैके आउंदे रहे, जिन्हां दे जत्थे विच्चों खंडे बाटे का अमृत महापुरखां ने पान किया। श्री मान संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा भिंडरां वाले महापुरख उन्हां दे पास रह करके महान गुरमत दी विद्या उच्चा सुचा अपना जीवन किन्नियां कमाईयां इन्हां सतपुरखां ने कीतियां। श्री मान संत बाबा ठाकुर सिंह जी महापुरखां दा महापुरख बेहद उन्हां दा सत्कार करिया करदे, उन्हां नूं प्यार विच बापू जी भी कहा करदे सन, क्योंकि बड़े महापुरखां दी बेहद जिहड़ी सेवा संत बाबा ठाकुर सिंह जी महापुरखां ने कीती। फिर वो सारियां जिन्नियां जिम्मेवारियां महापुरखां ने इन्हां सतपुरखां नूं सौंपियां, ते नाल थापड़े मिले बख्शिशां मिलियां, क्योंकि ये टकसाल किसी बंदे की चलाई नहीं है, ये गुरु कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह महाराज साहिब की आप चलाई हुई है। ये जिहड़ियां ऐसियां बख्शिशां फिर प्राप्त होईयां, ते अज देखो दुनिया के उत्ते जदों महापुरखां दा नाम लैंदे दास अपने हिरदे की भावना दसदा कि जिस वेले श्री मान संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वाले इन्ना ही कह दईए सारे शरीर नूं एकदम कांबा जिहा छिड़ जांदा। कमाई उन्हां महापुरखां दी जिन्हां दे आपां नगर दे विच जुड़े हाँ, गुरमत समागम हो रहे हन, सतगुरु पातशाह महाराज कृपा करन सानू भी ऐसी धुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई दे नाल जोड़ लैन, इस गुरबाणी का आसरा लैके असी भी मनमुखताई नूं त्याग के गुरमुखताई वाला जीवन जिहड़ा अपना बना सकीए। इस सतगुरु पातशाह दे चरणां दे विच अरदास बेनती है। समुचियां संगतां दा रोम रोम करके धन्नवाद है। मेरे अति सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी जसवीर सिंह जी साबका जथेदार श्री अकाल तख्त साहिब उन्हां दा रोम रोम करके धन्नवाद। महापुरखां दे बड़े भराता मेरे अति सत्कारयोग गुरमुख प्यारे कैप्टन हरचरण सिंह जी, वो महापुरख जिन्हां ने बहुत ही इस प्रकार उन्हां सतपुरखां ने इन्हां दे नाल बालक अवस्था दे जोज कीते हन, उन्हां गुरु प्यारियां दा होर ज्ञानी दर्शन सिंह जी रोडे नगर तों भाई साहिब भाई गुरनाम सिंह जी बड़े महापुरखां दे विद्यार्थी बैठे ने, नाल भाई गुरदयाल सिंह जी लंघियाणे तों आए, बाबा साधु सिंह जी लंघियाणे तों पुजे हन, होर इत्थों दे जो गुरमुख प्यारे ज्ञानी बलविंदर सिंह जी, आप संगतां नूं जिन्हां ने धुरकी बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई उस गुरबाणी दी कथा भी संपूर्ण इस नगर दे विच सुनाई है जिहड़ी भोग दे सलोकां तक आई हुई है। ते दस रहे सी सिंह साहिब जी के बड़ी मेहनत दे नाल हुण विद्यार्थियों नूं संथा भी करवाउंदे ने। ये साडा टकसाल दा मुख मकसद है कि गुरबाणी दी संथा आप करनी फिर दूसरियां नूं उह संथा वंडणी। ये निजम सी एक ग्रंथी बनता तो पंज बनावे, एक रागी बनता टकसार विच पंज अपने वर्गे रागी बनावे, नहीं गुरु कलगीधर जी का देणदार होवेगा।
इसलिए साध संगत जी समुचिया संगतां दा रोम रोम करके धन्नवाद मेरे अति सत्कार योग श्रीमान संत ग्यानी हरनाम सिंह जी खालसा मुखी दमदमी टकसाल जिन्हां ने आप जी दे नगर दे विच महापुरखां दा बड़ा आलीशान सुंदर जिहड़ा अस्थान तैयार किया है उन्हां महापुरखां दे भी आने वाले दिनां विच आप जी ने दर्शन करने प्रवचन सुनने हन सारियां संगतां दा रोम रोम करके धन्नवाद है विचार करदियां होईयां भुल्लां चुक्कां दी खेमा बख्शियो जी कोटान कोट शुकराना श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।